हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ देवलीना। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली घुगनी रेसिपी। तो उसके लिए मैं इधर ले चुकी हूँ आधा कटोरी, पूरा दिन इसको भिगो के रखे थे, मटर, दो मीडियम साइज का आलू को मैंने ऐसे पीसेस में काट करके रखे थे। तभी इसको एक साथ प्रेशर कुकर में दो सीटी लगाने तक इसको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसी कटोरी का आधा कटोरी पानी डाल देंगे हम। तो अभी इसको हमें दो सीटी लगाने तक बॉईल करना है। तो आप देख सकते हो मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और गैस को धीमी आंच में रखा है। इसी में हमको दो प्रेशर दो सीटी लगाना है। तो उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज का ऑनियन को चॉप कर लिया, आठ लहसुन को कलिया को मैं थोड़ा सा हल्का पीस ली हूँ, तीन हरा मिर्च, आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा हरा मिर्च ले सकते हो, इतना सा धनिया पत्ता को काट के रखा है हमने, और इधर एक तेजपत्ता, दो लौंग, दो इलायची लिए है, ये है गरम मसाला पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये इसमें कलर भी होता है, तीखापन भी है, थोड़ा सा हल्दी, नमक और भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर। तो चलिए मटर आलू थोड़ा उबलने के बाद आप लोगों को दिखाते हो। तो आप देख सकते हो दो सीटी लग चुका है, ये ऐसे मटर थोड़ा ज़्यादा गला नहीं है मटर, लेकिन आलू थोड़ा हमने ज़्यादा गला लिया है। तब इसको छानना है इसका पानी। तो आप देख सकते हो हमने मटर को छान लिया है, ये देखिए मटर ऐसा नरम हुआ है। और इस आलू का कुछ समझ नहीं आता है मुझे, कभी भी तीन सीटी में भी गलता नहीं है, कभी भी दो सीटी में भी गल जाता है। तो अभी हम मसाला रेडी करते हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तो अभी दो चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तो आप देख सकते हो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें तेजपत्ता, दो इलायची और लौंग डाल दूंगी। प्याज डालना है, प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें लहसुन डालेंगे। प्याज जल्दी गल जाए इसलिए थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हम। अगर आप लोगों को आलू का परख है ना कि कौन सा आलू कैसा होता है, कौन सा आलू जल्दी उबल जाता है मतलब गल जाता है, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा समझने में कि उस आलू को आपको उबलना है या नहीं है। मुझे तो आलू का बिल्कुल समझ नहीं आता है, कोई कोई आलू मतलब तीन चार सीटी में भी गलता नहीं है, कोई कोई आलू एक सीटी में भी मेरा गल जाता है। तो जब तक प्याज का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए हमको इसमें ऐसे ही चलाते रहना है। तो अभी प्याज हमारा थोड़ा नरम हो चुका है, तो इसमें इस टाइम हम डाल देंगे इसमें तीन हरा मिर्च। अब इसमें तड़का लगाने के टाइम, फोड़न लगाने के टाइम आप इसमें सूखा मिर्च भी डाल सकते हो, उसमें टेस्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग सूखा मिर्च अवॉइड करते हैं इसलिए हरा मिर्च से ही सब कुछ बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज होना चालू हो चुका है, तो इस टाइम हम इसमें लहसुन डाल देंगे।
लहसुन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। तो लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, इस टाइम मैं डाल दूंगी आधा इंच अदरक का पेस्ट। इस टाइम थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि ये मसाला जल ना जाए। अभी अदरक और ये मसाला प्याज लहसुन का जो पेस्ट है ये सब फ्राई होने तक हमको इसमें धीमी आंचों में थोड़ा चला के इसको फ्राई करना है। इसका स्मेल थोड़ा चेंज हो जाएगा, कच्चा जो स्मेल रहता है तब तक इसको हम पकाते रहेंगे। तो अदरक भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इस टाइम हम डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखा भी है और कलर भी होता है। आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, ये है भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर को जब ये बन जाएगा सब्जी तब भी आप डाल सकते हो उतारने के टाइम, उतारने के बाद या उतारने के टाइम, लेकिन मैं इस टाइम ही देना पसंद करती हूँ। तभी इसमें थोड़ा सा पानी फिर डालना पड़ेगा क्योंकि मसाला ना जल जाए इसलिए। तो फिर से इसको 5 सेकंड के लिए ऐसे धीमी आंचों में चलाना है। तो अभी आप देख सकते हो मसाला से ऑयल भी निकलना चालू हो चुका है और लगभग मसाला फ्राई भी हो चुका है। थोड़ा और धीमी आंचों में हम लोगों को थोड़ा और टाइम तक इसको चलाते रहना है। और ये जो गर्म मसाला मैंने डाला है इसमें, ये होममेड है। अगर इस गरम मसाला का रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट पे ज़रूर बताना। अब देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब देख सकते हो इसका ऑयल कितना निकल का है और मसाला एकदम फ्राई हो चुका है। तो इस टाइम हम उबला हुआ आलू और मटर को भी डाल देंगे और अभी इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो मसाले के साथ ये पेस्ट उबला हुआ जो आलू और मटर था ये पूरा मिक्स हो चुका है। तो इसको हम 5 सेकंड तक ऐसे चलाते रहेंगे। तो अभी इस टाइम हमको इसमें पहले चेक कर लेना आप लोग कि नमक बराबर है या लगेगा। तो मैं उबलने के टाइम नमक दिया था लेकिन और थोड़ा लगेगा, तो इस टाइम मैं नमक भी डाल दी हूँ। आप इसको ऐसे भी चाट हिसाब से भी खा सकते हो ऊपर से धनिया पत्ता छिटा के, लेकिन मैं इसको थोड़ा रोटी के साथ खाने वाली हूँ इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालना है। एक उबाल आने तक हमको इसको धीमी आंचों में रखना है। एक उबाल आ जाएगा तो ये बन जाएगा। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा के एक उबाल आने तक छोड़ देंगे, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बना है। तो अभी आप देख सकते हो कैसे बना है, देख सकते हो इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। पता नहीं लाइट पे आप लोगों को कैमरा पे कैसे दिख रहा होगा। तो चलिए इस टाइम हम इसको उतार लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे हम। इसको मिला लेंगे। तो अभी आप हम इसको सर्व करने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को
अगर आप शाम के टाइम ऐसे ही इसको खाना चाहते हो तो हम ऐसे इसको सर्व करेंगे। एक मैंने एक गाजर को ऐसे बारीक काट लिया। ये है खीरा, ये बीट रूट, ऑनियन, हरा मिर्च और नींबू। अभी आपको दिखाते हैं। तो हमने इधर घुगनी ले चुके हैं, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा बीट रूट डाल दूँगी, थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा हरा मिर्च, गाजर, बीटरूट, प्याज, हरा मिर्च और ये है खीरा। पहले मैंने गलत बोल दिया था, गाजर को बीटरूट बोल दिया था, इसके लिए सॉरी। और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आपके पास वो जो मिनी शेव होता है ना, आप वो भी डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। वो डालने से भी बहुत अच्छा लगता है खाने में शाम के टाइम। और अभी थोड़ा सा चाट मसाला, अब इसको एक साथ मिला लेंगे। तो मेरा पूरा रेडी हो चुका है, मैं इसको बाहर निकाल भी ली हूँ। तो अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना। अगर नहीं भी पसंद आया तो वो भी बता देना कमेंट पे।